उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी के अवसर पर हल्द्वानी के गुरुद्वारा नानकपुरा में शुभकामनाएं दी और मत्था टेका। बैसाखी के पावन पर्व पर गुरु नानकपुरा गुरुद्वारा हल्द्वानी पहुंचकर पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेका। प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि और प्रगति के लिए वाहे गुरु जी से प्रार्थना की। सीएम धामी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट में लिखा कि नई फसल के स्वागत और किसानों की प्रगति और समृद्धि के पावन पर्व वैशाखी की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वैशाखी का ये पर्व आप सभी के जीवन में नई उमंग, ऊर्जा और खुशियां लेकर आए। नैनीताल लोकसभा के अंतर्गत हल्द्वानी में आयोजित जनसभा में इन्होंने प्रतिभाग किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस लोकसभा में पहली सभा आदरणीय योगी जी की हो रही है। मैं आप सब की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से हल्द्वानी यहाँ पधारने पर मैं आप सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। और उत्तराखंड के लोग विशेषकर वैसे तो पूरे भारत में जहाँ भी जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का विशेष स्नेह उनसे रहता है। आज पूरा देश में आरणी महाराज जी द्वारा जो अभी आरणी भट्टी भी कह रहे थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, उन कामों की धमक आज पूरे भारत के अंदर सुनाई देती है। देश के हर राज्य में आज योगी जी की डिमांड होती है, हर जनसभा के लिए उनका ही नाम प्रमुखता से आता है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि देश का बच्चा बच्चा भी आज उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है।